रायपुर से इस बीच एक बड़ी जानकारी, इंदिरा प्रियदर्शनी महिला सरकारी बैंक घोटाले का ये पूरा मामला, उसे लेकर आरोपी बैंक मैनेजर के नाकों टेस्ट की रिपोर्ट सौंपी गई है। आरोपी बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा की टेस्ट रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, पुलिस को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। FSL रिपोर्ट और CD भी है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को ये CD मिली है, रिपोर्ट मिली है। CD और FSL रिपोर्ट की जांच के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाने की बात सामने आ रही है। सहयोगी युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, विस्तार से जानकारी इस खबर पर। युगल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पुलिस को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, आगे क्या कुछ होना है? जी देखिए, 2006-07 में ये मामला आया था और प्रदेश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला था, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का घोटाला। 20 करोड़ से अधिक की जो राशि है, ये घोटाला इसके प्रकाश में आए थे। छत्तीसगढ़ में जमकर राजनीतिक तूफान, बयानबाजी के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप के दौर लगे हुए थे। और इस बीच 2007 में ही जो बैंक के मैनेजर हैं उमेश सिन्हा, उसके सहित 18 लोगों पर जो FIR दर्ज की गई थी संचालक मंडल के, साथ ही साथ 2007 में ही नार्कोटेक्स जो मैनेजर है सिन्हा का, उसका हुआ था। और अब चूंकि नार्कोटेक्स की जो रिपोर्ट है, CD है, FSL है, वो सौंपी गई है, तो हो सकता है कि नए सिरे से जब जांच शुरू होगी तो कई बड़े लोगों के नाम और भी सामने आ सकते हैं।